नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये पांच छह स्टेप्स होंगे ने आप इन्हें करेंगे। स्टेप्स ने एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग एंड फॉलोअप। आ छे स्टेप्स ने। इस दे विच कुछ स्टेप्स तो होंगे ने प्री काउंसलिंग स्टेज दे। कुछ स्टेप्स ने प्री काउंसलिंग स्टेज, फिर है काउंसलिंग और फिर है पोस्ट काउंसलिंग। ठीक है, तो जिहड़े ये पहले चार स्टेप्स ने एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, ये तो हैंगे ने प्री काउंसलिंग दे। ठीक है, उस तो बाद काउंसलिंग करी पंजवें स्टेप दे विच और पोस्ट काउंसलिंग है फॉलोअप। ठीक है, तो आप पहला प्री काउंसलिंग वाले स्टेजेस कर लेंगे ने, कड़े कड़े स्टेप ने। नंबर वन एनालिसिस। एनालिसिस दे विच क्या करना है, इट इंक्लूड्स कलैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल विच कैन बी कलैक्टेड थ्रू स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल केस हिस्ट्री मैथड्स, इंटरैक्शन विद फैमिली मैंबर्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो एनालिसिस दे विच सब तो पहला जिहड़ा काम है क्या है कि बच्चे दे बारे पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है। ठीक है, जदों वो सारी इंफॉर्मेशन आपां इकट्ठी करनी है, किस किस तो आपां इंफॉर्मेशन लै सकते हैं, जिवें इत्थे दस्सिया फैमिली तो, फ्रेंड्स तो, टीचर्स तो, नेबर्स तो। ठीक है, वो सारे तो आपां ने इंफॉर्मेशन लैनी है, और इंफॉर्मेशन लैनी किस तरह है, आपां इंटरव्यू कराया जा सकता है, कोई केस हिस्ट्री है वो पढ़ी जा सकती है, क्वेश्चनेयर वगैरह भी भराया जा सकता है, मतलब जिस जिहड़े भी तरीके नाल तुसीं कोई इंफॉर्मेशन बच्चे दे बारे इकट्ठी कर सकते हो, तुसीं वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चे दे बारे इकट्ठी करनी है। और जिहड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, एक गल दा बड़ा ध्यान देना इत्थे कि वो इंफॉर्मेशन जिहड़ी है वो रिलायबल, एडिक्वेट होनी चाहिए है, एंड करैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है इत्थे? नो सर। लॉजिकल मैनर टू एनालाइज द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस, एसेट्स, पोटेंशियल्स, लायबिलिटी एडजस्टमेंट्स, कल्चरल बैकग्राउंड, हैबिट्स एटसेट्रा। जिहड़ी आपां ने उपर इनफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, डेटा कलैक्ट करिया है, बहुत सारी इनफॉर्मेशन आ गई अलग अलग सोर्सिस तो, फिर उस सोर उन अलग अलग तरह की इनफॉर्मेशन आपां ने ऑर्गेनाइज करना है लॉजिकल तरीके दे नाल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਹੈਬਿਟਸ, ਇੰਟਰਸਟ, ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, फिर आप करांगे डायग्नोस। डायग्नोस क्या करना है, द डायग्नोस कंसिस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इन रिलेशन टू द नेचर एंड प्रॉब्लम, द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आप डायग्नोस करांगे, जिमें जिहड़ा टीचर है, जिहड़ा डॉक्टर है, जिमें वह भी डायग्नोस करता है सानू। आप डॉक्टर को जाइए ना, उन्होंने कहने कि सानू ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो डॉक्टर जिहड़ा है वह उस प्रॉब्लम का कारण लभण दे लई, जो उस बीमारी का कारण लभण दे लई डायग्नोज करता है सानू। कदे कहेगा अखां चैक करेगा, कदे नब्ज चैक करेगा, अपना बीपी, शुगर, ठीक है, वो सारी चीज़ा वो अलग अलग तरह की चैक करता है। बेसिकली कर की रहा हुंदा है डॉक्टर जिहड़ा है वह प्रॉब्लम की जड़ या प्रॉब्लम का कारण फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इस तरीके दे नाल जिहड़ा काउंसलर है, जो उसने इनफॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सिस तो इकट्ठी कर ली, उसनों ऑर्गेनाइज कर लिया लॉजिकली, फिर वो उस इनफॉर्मेशन के विचों दी ए फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि जिहड़ी प्रॉब्लम है उसका क्या कारण हो सकता है, प्रॉब्लम दी नेचर क्या है, वो सारिया चीज़ा देखने की कोशिश करता है। नैक्सट है फोर्थ पॉइंट, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होंदा है कि प्रिडिक्ट करना कि प्रॉब्लम जिहड़ी है वो क्या हो सकती है,
ठीक है। अंडर दिस स्टेप अ प्रेडिक्शन इज मेड अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आप इस दे विच ये देखते हैं कि अज अगर प्रॉब्लम 10% है तो आने वाले होर महीने के विच वो 20 हो सकती है या 40% हो सकती है। अज अगर बच्चे नूं थोड़ी जी प्रॉब्लम है तो आने वाले समय के विच वो प्रॉब्लम किड्डी वड्डी हो सकती है। आप फ्यूचर के विच उस प्रॉब्लम नूं देखते हैं कि किस तरह वो फ्यूचर के विच बच्चे नूं किस तरह वो प्रॉब्लम जिहड़ी है वो तंग करेगी या परेशान करेगी या बच्चे नूं किस तरह दी या मुश्किलों का सामना फ्यूचर के विच करना पै सकता है ड्यू टू द करंट प्रॉब्लम। बच्चे ये चार स्टेप्स समझ आए तुहानूं प्री काउंसलिंग स्टेज दे। देखो अगर नहीं समझ आए तो आप गल करते हैं इन्हां दे बारे दोबारा। अगर किसी बच्चे नूं नहीं समझ आए तो तुसीं प्री काउंसलिंग दे सर समझ गुड चलो उस तो बाद है। अच्छा प्रोग्नोसिस हो गया से अपना, उस तो बाद है काउंसलिंग स्टेज। काउंसलिंग स्टेज दे विच तो फिर आपां ने काउंसलिंग ही करनी है बच्चे की, है ना, जिवें नाम तो ही क्लियर हो रहा है। फिर जो आपां ने ऊपर देखा है, डाटा इकट्ठा करया है, उसनों एनालाइज करया है, उस दे बेस ते फिर आपां बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। द काउंसलिंग हियर इज टू ब्रिंग अबाउट, दोबारा रिपीट कर दियो केड़े वाला बच्चे, प्रोग्नोसिस सर। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस हुंदा है, देखो डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस का है कि बच्चे दीयां करंट अपन ने परिस्थितियां देखनियां ने भी क्या है, करंट दे विच बच्चे नूं क्या प्रॉब्लम आ रही है, करंट दे विच क्या हालात ने। प्रोग्नोसिस दे विच इह हुंदा है कि आपां ने फ्यूचर दे विच देखना है, ठीक है, कि अगर बच्चे नूं अज किसी प्रॉब्लम दे कारण 10% प्रॉब्लम है तो वह आने वाले समय दे विच वह प्रॉब्लम वधेगी या घटेगी। ठीक है, आपां इह देख रहे हां, क्लियर है बच्चे। Yes, sir. आज अगर कोई बीमारी है और अगर आप उसका इलाज ना करिए तो वो आने वाले समय दे विच फ्यूचर दे विच वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ना, फिर बीमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो आप फिर प्रोग्नोसिस दे विच देखते हैं कि आज आप ने अगर इसमें सॉल्व नहीं करया प्रॉब्लम नू तो वो आने वाले समय दे विच किस तरह की प्रॉब्लम बच्चा फेस कर सकता है। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग हियर इज टू ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट टू द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज प्रॉब्लम। काउंसलिंग दे विच आप क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड एनालाइज्ड आप ये देखते हैं कि बच्चा जिहड़ा है उस प्रॉब्लम नू किस तरह हल कर सकता है या उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दे विच अपने आप नू किस तरह वह बच्चा सही तरीके दे नाल एडजस्ट कर सकता है। एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द काउंसलिंग। काउंसलिंग प्रोसैस के अपने बच्चे का इंटरस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है, वो सारिया गल् आपने बच्चे देखनिया है और उस तो बाद ही आप बच्चे फिर काउंसलिंग वो करते हैं या एडवाइस कुछ उन्होंने करते हैं। इट एम्फसाइज द इंडिविजुअल टू डिवेलप लाइफ साइकिल वेयर एन एफर्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन could lead to success and success in turn could lead to further efforts and motivation. देखो it emphasizes the individual to develop life cycle. काउंसलिंग का मेन मकसद क्या होंगे है कि बच्चे को मोटिवेट करना है, बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग के वाल लैके जाना है, बच्चे को करंट प्रॉब्लम के विच अगर जो बच्चा फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम दे नाल किस तरह अपने आप को सही तरीके दे नाल एडजस्ट करना है इस चीज़ के बारे में बच्चे दसना होंगे, एडवाइस करना होंगे और फिर इतना एक लाइफ साइकिल या साइकलिकल बन जाता है। किस तरह कि जो आप बच्चा जोड़ा है पॉजिटिव डायरेक्शन के वाल जाता है, बच्चे को सही एडवाइस मिल जाती है तो उसमें सक्सैस मिलती है, बच्चा सक्सैसफुल होंगे और जो बच्चा सक्सैसफुल होंगे उस तो बाद सक्सैसफुल होने के नाल बच्चा मोटीवेट होंगे है और होर ज़्यादा फिर एफर्ट्स करता है और जी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम चो फिर वो बच्चा निकल जाता है और इस तरीके दे नाल बच्चा जिहड़ा है अपनी जिंदगी लाइफ जिहड़ी है वो अच्छे तरीके दे नाल जींदा है। तो काउंसलिंग जिहड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सही समय ते बच्चे नू सही एडवाइस मिल जाए तो जिहड़ा बच्चा है उसकी लाइफ बदल सकती है और अगर बच्चे नू सही समय ते सही एडवाइस ना मिले तो बच्चा जिहड़ा है जो फेलियर या प्रॉब्लम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
बच्चा फिर अगर सक्सेसफुल अपनी लाइफ के विच नहीं होंदा और बच्चा उस प्रॉब्लम दे नाल एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है बच्चे, दसो कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट दे विच? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। सिंपल जी है। ओके नेक्स्ट है फॉलो, ये है पोस्ट काउंसलिंग स्टेज है, ये काउंसलिंग तो बाद दी स्टेज है बच्चे, है ना, काउंसलिंग तो बाद ये फॉलो अप करना होता है। द सिक्स स्टेप इन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज फॉलो अप व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इंडिविजुअल मे बी एबल टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स थ्रू काउंसलिंग बट न्यू प्रॉब्लम्स मे अकर और द ओरिजिनल प्रॉब्लम मे रीअकर। देखो हुन एडवाइस दे नाल या काउंसलिंग दे नाल बच्चे ने करंट प्रॉब्लम या जिहड़ी इमीडिएट प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा उसनूं तां सॉल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई नवी प्रॉब्लम आ जाए या यही प्रॉब्लम बच्चा फ्यूचर दे विच दोबारा फेस करे अपनी लाइफ दे विच कोई, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जड़ियां हैं वो भी देखनी है आपने, फॉलो अप भी उसमें करना है। फॉलो अप विद द क्लाइंट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, द रोल ऑफ काउंसलर इज इंपॉर्टेंट एज ही हैज टू मेक द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट हिज स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो हिज वीकनेस एंड फॉल्ट्स। तो जो काउंसलिंग है बेसिकली वो करता की है, बच्चे नू ये दसदा है कि बच्चे दे विच क्या वीकनेसिस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स ने, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नैगेटिव पॉइंट है, ठीक है, वो सारी गल्लां बच्चे नू समझाणियां ने। बच्चा इस दे नाल अपने आप नू अच्छी तरह समझदा है, बैटर अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी बच्चे दी अपने आप दे बारे हो जाती है और फिर बच्चा जिहड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉब्लम्स नू हल अपने आप करन लग पैंदा है। इमीजिएट प्रॉब्लम तो आपां ने हल करती, लेकिन काउंसलिंग का जो मेन मकसद होंदा है वह बच्चे नू सिर्फ इमीजिएट प्रॉब्लम हल करना नहीं होंदा, बच्चे नू इस दे काबिल भी बनाना होंदा है कि अगर फ्यूचर दे विच कोई होर प्रॉब्लम या सेम प्रॉब्लम दोबारा आवे तो बच्चा उस प्रॉब्लम नू अपने आप ठीक कर सके या उस प्रॉब्लम नू फेस कर सके ठीक तरीके दे नाल। ठीक है बच्चे, स्टेप्स दे विच बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो दसो। नो सर, नो सर, नो सर। गुड।